हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बटर पनीर मसाला की रेसिपी और नान घर पे बनाया मैंने, फर्स्ट टाइम बनाया मैंने, तो उसी की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और ये देखिए, ये मैंने प्याज लहसुन और टमाटर और पनीर और ये काजू थोड़े से लिए हैं और बटर और ये खड़े मसाले हैं। इसमें तेज पत्ता, छोटी इलायची, लौंग, काली मिर्च और दालचीनी है। और इधर कढ़ाई मैंने चढ़ा दी थी गर्म होने के लिए, उसमें थोड़ा सा बटर मैंने डाला है। बटर जैसे ही मेल्ट होगा तो उसमें खड़े मसाले और प्याज डाल दूंगी मैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि लॉकडाउन तो ख़त्म हो गया, लेकिन तब भी हम लोग बाहर खाने नहीं जा सकते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आज घर पर ही होटल खोल लेते हैं, रेस्टोरेंट, और बिल्कुल ढाबा स्टाइल में बटर पनीर मसाला और नान बनाती हूँ। तो नान मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया था, लेकिन मैंने सोचा चलो शेयर करते हैं। और इसमें देखिए, प्याज लहसुन और टमाटर सारी चीज़ें मैं डाल दूंगी और फिर इसको पकने देंगे। फिर बाद में मिक्सी में भी इसको पीसना है। और ये काजू भी मैंने डाल दिए साथ में ही, और दो हरी मिर्च मैंने डाल दी थी, बाकी आप अगर ज़्यादा तीखा खाते हो तो ज़्यादा हरी मिर्च डालिए। फिर इसको मिक्स करके बटर में, और फिर इसको नमक डाल के मैंने ढक दिया था, नमक स्किप हो गया था, नमक मैं नहीं दिखा पाई। और जैसे ही ये पूरा सब मसाले अच्छे से गल गए, काजू भी अच्छे से मुलायम हो गया था, ये देखिए काजू भी बहुत अच्छे से मुलायम हो गया है, तो मैंने गैस को बंद कर दिया और इसको ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद उसको मिक्सी में मैंने पीस लिया था, और इधर कढ़ाई मैंने अच्छे से साफ़ धुली नहीं, उसी में फिर से बटर डाल दिया था, बस अच्छे से साफ़ कर दिया था उसको। और ये देखिए, बटर जैसे ही मेल्ट हुआ तो इसमें फिर जीरा डाला मैंने और थोड़ी सी हींग डाली फ्लेवर के लिए। और जो मसाला मैंने पीसा था उसको डाल दिया, और उसको फिर अच्छे से भून लेना है जब तक मसाला हमारा घी ना छोड़ दे। और ये पनीर मैंने काटे थे, इनको चौकोर टुकड़ों में काटे हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा चौकोर टुकड़े में ही अच्छा लगता है। और ये मैंने मसाला घोल के पहले से रख लिया, तो इसमें हल्दी, धनिया, मिर्चा, गरम मसाला और सब्जी मसाला, इतने मसाले मैंने घोल के रख लिए हैं। और इधर हमारा ये मसाला भी पक चुका है, प्याज टमाटर, तो मैंने ये जो मसाला घोल के रखा था उसको डाल दिया। अब उसको भी थोड़ी देर पका लेंगे। तो बस जैसे ये मसाले सारे हमारा घी छोड़ने लगते हैं, तो फिर समझ लीजिए कि मसाला हमारा पक गया है। तो इसमें जो किनारे लगा रह गया था, तो उसमें मैंने पानी डाल के इसमें डाल दिया, और अब अच्छे से सारे मसालों को एक साथ पका लेंगे। और उसके बाद इसमें मैंने अब पानी ऐड कर दिया था। फिर ये हमारा पानी अच्छे से खौलने के बाद मैंने इसमें पनीर के टुकड़े डाल दिए हैं, और बस इसको थोड़ी देर और खौलने देंगे। उसके बाद हमने ऊपर से भी थोड़ा सा बटर डाला है इसमें, ताकि बटर की अच्छा सा बटर का फ्लेवर आ जाए इसमें, क्योंकि बटर से ही पूरी ये बनाई मैंने सब्जी। और ये देखिए, अब ये मैं नान सेक रही हूँ, तो नान को मैंने तवे पे चिपका के पानी से और उल्टा करके सेक रहे हैं। थोड़ा सा लाइट की प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि लाइट चली गई थी उसी टाइम, लाइट इस समय गर्मी है तो बहुत लाइट जाती रहती है अक्सर। और ये देखिए, नान हमारी सेक के रेडी हो गई है। अब इसमें घी या बटर जो भी आपका मन करे वो लगा के आप खा सकते हैं। तो मैंने थोड़े में घी लगाया था, थोड़े में बटर, मेरी डॉटर को बहुत पसंद है तो थोड़े में मैंने बटर लगाया था। तो इसमें मैं ये घी लगा के और सेक सेक के मैं रखती जा रही हूँ। तो ये देखिए, एक हमारी नान बनके रेडी हो गई है। इसी तरीके से मैं सारी नान सेक लूँगी, और उसके बाद देखिए हमारा ये पूरा डिनर रेडी हो गया है। और मैंने ऊपर से फ्रेश मलाई थी उसको मैंने फेंट के डाल दिया था, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आया था, बहुत यम्मी टेस्ट लग रहा था। और प्याज थोड़े से कट कर लिए, और इसमें नान सिकी रखी वही मैं आपको दिखा रही हूँ, तो ये मुझसे खुल नहीं रहा था, तो ये मैंने अन्य से खुलवाया फिर। और ये देखिए, नान हमारी सिकी रखी हैं, कुछ मैं अभी जो बाद में मैंने सेकी वो मैं लेके आई हूँ। इनमें मैंने बटर लगाया है, कि जिसको बटर वाली खानी, क्योंकि अन्य ने बटर वाली खाई और मैं पूछ रही हूँ कैसा लगा,
तो बता रही कि बहुत टेस्टी, क्योंकि उसको पनीर बहुत पसंद है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा, कैसी लगी रेसिपी, और अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।